नमस्कार दोस्तों, हर इंसान के अंदर दिमागी शक्ति होती है पर उसका इस्तेमाल करना आपको नहीं आता। अब आपको इसके लिए कुछ काम है जो करना पड़ेगा, पर उससे पहले आपको IQ लेवल का मतलब समझा दूं। IQ लेवल का मतलब होता है किसी व्यक्ति में कितनी बुद्धि है या वो कितना टैलेंटेड या फिर कहे स्मार्ट है, उसका दिमाग कितनी तेजी से काम करता है, उसके दिमाग की काम करने की क्षमता क्या है, ये सब IQ लेवल पर डिपेंड करता है। और अब बात आती है IQ लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहली चीज, बुक्स पढ़ना चालू करो। एक स्टडी से पता चला है कि किताबें पढ़ना सिर्फ आपके ज्ञान को ही नहीं बढ़ाता बल्कि ये आपकी दिमागी शक्ति को भी तेज और मजबूत करता है। बुक स्टोर पर आपको ऐसी कई सारी किताबें मिल जाएंगी जो आपके IQ लेवल को बढ़ाने में मदद करेंगी। आप कैरोलिन स्किट की बुक्स खरीद सकते हैं, ये आपके IQ को बूस्ट करने में हेल्प करेगी और ये बुक्स आपको पसंद भी आएगी। आपको पता है जितने भी आज की दुनिया में सफल लोग हैं वो सब लोग किताबें पढ़कर ही ज्ञान हासिल करते हैं। आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी होगी। आपका IQ लेवल जितना ज्यादा होगा आपके दिमाग के कार्य करने की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरी चीज, हर रोज व्यायाम करो। मुझे पता है कि हमारे कुछ भाइयों की सुबह से नींद ही नहीं खुलती। मैं आपको बता दूं कि ये जो आलस होती है ना, ये इतनी धीमी यात्रा है कि गरीबी इससे आगे निकल जाती है। और हाँ, व्यायाम करने से आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक रूप से अगर आप अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को शक्तिशाली बनाने का। रोज सुबह से उठकर कसरत योगा करो, जिससे आप स्वस्थ तो रहेंगे ही साथ ही तुम्हारी याददाश्त भी मजबूत होगी। एक अच्छे IQ लेवल के लिए याददाश्त का तेज होना बहुत जरूरी होता है। ये दुनिया में लोग पागल नहीं है जो सुबह से उठकर एक्सरसाइज योग वगैरह करते हैं, इससे इंसानी शरीर को बहुत फायदे मिलते हैं। तीसरी चीज है, पूरी नींद जरूर ले। अब तुम्हारे काम की चीज आ गई है। पूरी नींद जरूर ले का मतलब ये नहीं है कि गधे की तरह सुबह 8 बजे तक पड़े हुए हैं। सिर्फ 7 घंटे की नींद एक इंसान के लिए बहुत होती है। एक स्टडी से पता चला है कि जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग दिन भर में आपके द्वारा बनाई गई यादों को समेकित करता है और जब आप जागते हैं तो ये आपके मस्तिष्क की नई जानकारी सीखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसलिए रोजाना सही समय पर सोए और अपने काम के हिसाब से भरपूर नींद जरूर ले। नंबर 4, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करो। देखो, अपने दिमाग के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थ खाना एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो आपके दिमाग को तेज करता है। ऐसा नहीं है कि ये मस्त में कुछ भी तीखा चटपटा खा लिया और बैठ गए। ये फास्ट फूड जैसी चीजें आपके शरीर को बहुत हानि पहुंचा सकती है। आपको सिर्फ कुछ ऐसी चीजें खानी है जो आपके शरीर के लिए और दिमाग के लिए अच्छी हो, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें खाए और हरी सब्जियों का सेवन जरूर करें क्योंकि इनमें प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। नंबर 5, दिमागी काम करने की कोशिश करो। दिमागी गतिविधियां ना केवल मेमोरी को बढ़ाती है बल्कि तर्क और भाषा कौशल को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इसके लिए आप कुछ ऐसे गेम्स को खेल सकते हैं जिसमें पूरा का पूरा खेल दिमाग का हो। दिमाग की एक्सरसाइज में पजल, सुडोकू, चेस, ये सारे गेम्स खेलो और कुछ भी नई नई चीजें करने की कोशिश करो जो इस दुनिया के लोगों से नहीं हो पाता, वो तुम करके दिखाओ। नंबर 6, मेडिटेशन करो। आप मानो या ना मानो पर मेडिटेशन आपके जीवन को बदल सकता है। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे जागो और जब दुनिया सो रही है तब आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन या ध्यान दिमाग की कसरत होती है। ध्यान ना केवल आंतरिक शांति प्रदान करने में मदद करता है बल्कि दिमाग को तनाव रहित बनाने में भी सहायता करता है। इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य को पा सकता है। रोजाना सुबह ध्यान करने से आपका मन और आपका दिमाग एक नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको भी अपने पसंद की नौकरी चाहिए, क्योंकि आजकल पैसे भी हर किसी को कमाना है, नौकरी तो चाहिए, और अपने पसंद की नौकरी ढूंढने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रीलेवल बाय अनअकैडमी। इंटरनेट पर आपको 10 तरह के अलग अलग कोर्स मिल जाएंगे सर्टिफिकेशन के साथ बहुत ही कम पैसे में, लेकिन तुमको आउटकम ड्राइवन कोर्स देने वाला रीलेवल पहला प्लेटफॉर्म है, वो भी प्लेसमेंट प्रोटेक्शन के साथ। और ये प्लान चाहता है कि अगर आपने अपनी लगन से कोर्स पूरा किया तो आपको नौकरी मिले, और अगर बाय चांस आपकी प्लेसमेंट नहीं होती तो आप अपनी प्लेसमेंट फीस वापस ले सकते हैं जो कि टोटल फीस का 50% है। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी अपनी पसंद की नौकरी करो तो आपको सिर्फ कोर्सों को अच्छे से पढ़ना है, साथ में क्लासेस असाइनमेंट अटेंड करनी है। जैसे आपका कोर्स खत्म होगा आप रीलेवल का टेस्ट देंगे तब आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे और उसके बाद रीलेवल बताएगा कि आपको अपने सपनों की नौकरी मिले। तो आज
आईआईटी रिलेवल को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए मैंने, और कोर्स के लिए अप्लाई करो और फिर एडमिशन इंचार्ज के साथ अपना इंटरव्यू स्लॉट बुक करो। 9000 से ज्यादा कैंडिडेट रिलेवल पर भरोसा करते हैं और आज तक 80 करोड़ से ज्यादा के ऑफर रोल आउट हो चुके हैं। इंडिया की टॉप कंपनी स्विगी, ओला, शाओमी जैसी 800 से ज्यादा कंपनीज रिलेवल से ही लोगों को हायर करती है। आज ही जाकर फॉर्म भरो, 10 से ज्यादा कोर्सेस आपको मिलेंगे और आप अपनी स्क्रीनिंग कॉल कर सकते हैं और रिलेवल के प्रोफेशनल लोगों से अपने डाउट पूछ सकते हो। सबसे अच्छी बात, अगर कोर्स लेने के बाद आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है या आपको मजा नहीं आ रहा, तो 14 दिनों के बाद तुम रिफंड भी ले पाओगे। तो वीडियो के बाद रिलेवल जरूर रजिस्टर करना और आप बात करते हैं आईक्यू लेवल बढ़ाने की। नंबर 7, फालतू के लोगों से दूर रहो। तुम्हें बताना चाहूंगा कि आज की दुनिया में तुम्हारे माँ बाप के अलावा कोई नहीं चाहता कि तुम सफल इंसान बनो या खूब पैसा कमाओ, क्योंकि आज की सोसाइटी से अगर तुम आगे निकल गए तो उन लोगों को अपना सर झुकाना पड़ेगा। हर पल हर क्षण तुम्हें वो लोग खींचने की कोशिश करेंगे, गलत चीजों की संगत दिलाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे आईक्यू लेवल को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, पर तुम पीछे मत हटना। इस फालतू की दुनिया से हमेशा अपनी दूरी बनाए रखना और उनको हंसने का मौका कभी मत देना, क्योंकि वो तैयार बैठे हैं तुम पर हंसने के लिए। नंबर 8, खुद पर विश्वास रखो। अगर इस दुनिया में आप खुद पर विश्वास नहीं रखोगे ना, तो ये सारी चीजें जो है ये कभी नहीं कर पाओगे। दिमाग को मजबूत बनाने के लिए पहले खुद को मजबूत करना होगा। आज इस समाज में रिस्पेक्ट उसी को मिलती है जो सर्वज्ञानी हो, और अगर आप इस एक चीज में फेल हो गए तो जिंदगी में आप हमेशा के लिए फेल हो जाओगे और जो सपने देखे वो कभी पूरे नहीं कर पाओगे। आज तुमको एक इंसान होने का कर्ज बया करना है, इस दुनिया को करके दिखाना है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम उन लाखों लोगों में से नहीं हो जो इस समाज का, इस देश का नाम नीचा कर रहे हैं। तुम वो इंसान हो जो एक दिन सबको दिखा दोगे कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। इसलिए मेरी एक बात को ध्यान रखना, हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखना। जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ी सोच रखनी होगी तुम्हें, इन सारे लोगों से अलग दिमागी शक्ति रखनी होगी तुम्हें। और मुझे पता है तुम कर सकते हो, तुम्हारे माँ बाप को बताए कि तुम कर सकते हो। यस यू कैन डू इट। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।